morning, dear students. Let us continue English text and आज हम लोग revision नहीं करेंगे. आज हम लोग chapter 12 जो already we have finished two or three paragraphs. We will continue the same chapter. Okay? So all of you be ready with your English textbook usually and open chapter 12 page number 61. Take it out your book and take pencil also. So see chapter 12 and chapter's name is the Children's Day. Children's Day in this month we are also going to celebrate now. We celebrate Children's Day on 14th November. Okay? And क्यों हम लोग celebrate करते हैं और ये सारी चीजें मैंने आपको already बताई हुई हैं. Okay? So we are going to see next. हम लोग आगे देखेंगे. So see all of you open page number 61. See, the children went to their classrooms. The classrooms gave a new look. They were decorated beautifully. जैसे ही सारे बच्चे स्कूल आ गए, वो अपने अपनी क्लास में जाते हैं. When they entered, they found their classrooms were decorated with balloons. जो उनके क्लासरूम थे, वो क्या किए गए थे? सजाए हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे. नेहा saw something on the blackboard. और नेहा ने ब्लैकबोर्ड पे भी कुछ देखा. Oh, it was a lovely greeting card. और क्या था वो? Greeting card था. It was made by their teachers for them. और teachers लोगों ने अपने जो students से जो बच्चे हैं उनके लिए वो cards बनाए हुए थे. आप लोग भी greeting cards बनाते हैं, teachers को देते हैं. और लेकिन children's day पे अभी teachers ने क्या किया है? बच्चों के लिए greeting cards बनाए थे. They were all very happy and excited. सारे बच्चे, जैसे कि आप लोग बहुत खुश होते हैं, सारे बच्चे they were very happy, they were very excited because that day was their day, because they were going to celebrate Children's Day. Soon it was time for the morning assembly. Assembly means क्या होता है? Meeting या साथ में आना prayer के लिए. तो अभी बहुत जल्दी, जैसे कि आप prayer के लिए आते थे नीचे queue में line में prayer के लिए, वैसे ही सारे बच्चे भी आ गए. They were all waiting eagerly. और सारे लोग बहुत ही wait कर रहे थे क्या होगा next. बहुत ही खुश थे वो लोग. They knew it was going to be special. सारे बच्चों को पता था कि आज का दिन क्या है? Very special for all of them. All the children gathered in the playground. सारे बच्चे कहाँ पे इकट्ठे हो गए? Playground में इकट्ठे हो गए. Gather means क्या होता? A time when people come together. सारे लोग एक साथ आते हैं. They sat in rows, यानी कि लाइन में सब लोग पंक्ति में क्या कर रहे हैं? अच्छे से बैठ गए. There was a mic and a table at the center. और वहां पे बीच में एक माइक और टेबल बीच में रखा हुआ था. There were many boxes on the table. और बहुत सारे बॉक्स भी रखे हुए थे. तो उन बॉक्स में क्या होंगे? हम लोग आगे देखेंगे. Miss Vanita, their English teacher. तो इनकी इंग्लिश टीचर का क्या नाम है? वनिता. अनाउंस्ड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. उसने सबको क्या किया? मॉर्निंग विश किया उन्होंने, सबको गुड मॉर्निंग बोला. वी आर रेडी टू बिगिन आवर स्पेशल प्रोग्राम. टीचर ने कहा सो चिल्ड्रन वी आर हियर टू क्या करने के लिए? सेलिब्रेट. वी आर हियर टू सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे. एवरीवन क्लैप्ड. देयर टीचर्स स्टूड इन अ ग्रुप. सारे क्या करने लगे? बच्चे बहुत खुश हो गए और तालियां बजाने लगे. सारे टीचर्स उनके लाइन से क्या करे? खड़े हो गए. दे सांग अ सॉन्ग अबाउट चिल्ड्रन. चिल्ड्रन डे है जो आपका दिन होता है, इसलिए टीचर्स ने जो भी कुछ किया सब कुछ किसके लिए किया? बच्चों के लिए किया. तो जो गाना भी गाया, जो सॉन्ग भी गाया, उन्होंने बच्चों के लिए ही गाया. आफ्टर द सॉन्ग द प्रिंसिपल ग्रीटेड द चिल्ड्रन. जब गाना खत्म हो गया टीचर्स का, तो अभी किसने विश किया? प्रिंसिपल ने. There was a funny play. और उसके बाद कुछ खेल शुरू हुआ. It was about a boy who troubled teachers. एक बच्चे का ही प्ले उन्होंने किया, जो बच्चा क्या करता था? टीचरों को परेशान किया करता था. आप लोग भी क्लास में कुछ कुछ बच्चे हैं जो बहुत नॉटी हैं, कितना भी बोलते टीचर्स आप सुनते नहीं हैं. कुछ टाइम शांत बैठते हैं फिर तुरंत वही काम करने लगते हैं. तो वैसे ही वहाँ पे भी कुछ बच्चे होंगे या कोई था, तो उसके बारे में उन्होंने प्ले किया. गेम्स टीचर मिस्टर रॉबिन एक्टेड एज नॉटी बॉय. जो उनके गेम्स टीचर थे कौन है वो? मिस्टर रॉबिन.
रॉबिन, और उनकी इंग्लिश टीचर कौन थी? वनिता, और गेम्स टीचर मिस्टर रॉबिन। उन्होंने ही उस नॉटी बच्चे का प्ले किया था, जो रोल था उन्होंने ही किया था। The children laughed a lot. सारे बच्चे जब देखे तो उन्हें क्या हुआ, बहुत ही हंसी आई, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत हंसने लगे। Then their science teacher held a quiz. अब उसके बाद क्या बारी आई, क्विज की बारी आई। She asked questions and the children answered. उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने क्या किया, आंसर दिया। There was a lot of noise. बहुत ही आवाज हो रही थी, सारे बच्चे क्लैप कर रहे होंगे, आवाज कर रहे होंगे, बहुत ही खुश थे। Each question carried points. और सारे क्वेश्चन जो भी उनसे पूछे जाते थे उसके मार्क्स थे या नंबर्स थे। स्टैंडर्ड फिफ्थ वन एज दे स्कोर्ड मैक्सिमम पॉइंट्स। जो क्लास फिफ्थ है वो क्विज को जीत गया है, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा उस क्लास के बच्चों ने आंसर दिया था। After the quiz, some teachers in colorful dresses stood in a row. अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी जैसे ही उनका खेल या उनका जो क्विज कंपटीशन था खत्म हुआ, उसके ठीक बाद क्या शुरू हो गया, देखो कुछ टीचर्स जो थे बहुत ही, they were in beautiful dress, they looked beautiful, और उन्होंने क्या किया, देखो, soon the music started, the teachers danced to the music of a folk song. जैसे ही गाना बजा क्या किया टीचरों ने, डांस करना शुरू किया, बहुत ही अच्छा लगा उन बच्चों को। द चिल्ड्रन क्लैप्ड चीयरफुली, यानी कि हैप्पीली, बच्चे और भी खुश हो गए जब उन्होंने देखा टीचर्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उन्होंने वो लोग खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। इन द एंड द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन, और आखिरी में जैसे आपको भी स्वीट्स मिलते हैं वहाँ पे भी छोटे बच्चों को या जो भी बच्चे थे सबको क्या मिले, स्वीट्स मिले। The teachers had worked hard to make them feel happy. और सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया था उनको क्या करने के लिए, चिल्ड्रन डे उनका जो है दिन है उसको स्पेशल बनाने के लिए। The children kept thinking of the wonderful program and the fun they had. सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और वो हमें पूरा टाइम क्या सोच रहे थे, वाह आज का दिन कितना अच्छा था, बहुत हमने मजे किए, चॉकलेट्स मिले, हमने गेम खेला, क्विज खेला, पूरा दिन उन्होंने क्या किया था, बहुत ही इंजॉय किया था। तो हियर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और मैं आज आपको होमवर्क दूंगी, और क्या दूंगी, आप लोग यू हैव टू राइट 5 lines दैट हाउ डू यू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे इन द स्कूल। ओके, सी आई एम गोइंग टू राइट हियर। ओनली हैव टू राइट 5 lines, ओके 5 lines लिखिए कि कैसे आप अपने स्कूल में जब होते हैं तो क्या करते थे, चिल्ड्रन डे को कैसे सेलिब्रेट करते थे।